रामेन, केपॉप, बीटीएस, ये सब सुन के आपके दिमाग में कौन सा देश आया? कोरिया ऑफ कोर्स। अब हम सब कोरिया के इतने बड़े फैन हैं और कोरियन खाना कभी ना कभी तो खाया ही होगा, बट व्हाट इफ 25 घंटे के लिए कोरियन खाना खाना पड़े? क्या एक इंडियन के लिए ये पॉसिबल है? लेट्स फाइंड आउट। अभी हम दिल्ली आ चुके हैं तो ना हम लंच के लिए एक कोरियन स्टोर आए इन गुड़गांव एंड इट्स कॉल्ड किम्स कोरियन ग्रोसरी। ओके, दे हैव समथिंग विच इज हनी फ्लेवर्ड गोल्ड, ये ले लेते हैं। ओ गाइस, डिड यू नो चोको पाई इज कोरियन? ओके, मेरे को भी नहीं पता था। दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ रामेन, मतलब सिंगापुर की याद आ गई, इतनी ज्यादा वैरायटी होती थी वहाँ पे। हम तब वहाँ भी कंफ्यूज हो गए, यहाँ भी कंफ्यूज हो गए। बाय द वे, वन वियर्ड थिंग, वहाँ पे चॉपस्टिक्स फ्री की मिलती थी, यहाँ पे चॉपस्टिक्स 5 रुपए की है, यू हैव टू बाय द चॉपस्टिक्स। आई थिंक लेट्स टेक दिस वन क्योंकि इसकी पैकेजिंग सबसे अलग है। एंड एक्चुअली क्यों, मैंने ना इसके ऊपर एक वीडियो करा था और मैंने उसको गलत तरीके से बनाया था, तो आप लोगों ने बोला था इसको बिना पानी के बनाना चाहिए, तो एक बार और ट्राई करके देखते हैं ये कैसी है। लेट्स गिव दिस अ सेकंड चांस। बिना पानी के कैसे बनेगी? जैसे रामेन कैसे होती है, पानी को बनने के बाद पानी को निकाल के सॉस डालता है ना, मैंने पानी नहीं निकाला था। सपोज टू बी मेड लाइक दैट, सो लेट्स टेक दिस। एक कोरियन स्टोर में स्टारबक्स वगैरह भी पड़े हैं, वो तो कोरिया में भी मिलता ही है। उस लॉजिक से तो हर स्टोर में हर कुछ रख सकते हो। यहाँ पे इनका फ्रिज काफी इंटरेस्टिंग सा है। दे हैव दिस पोटैटो चीज हॉट डॉग, ये तो हम लेंगे कि यहीं पे बना के खा भी सकते हैं हम। इनकी ड्रिंक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, काफी क्यूट सी लग रही है। वी आर टेकिंग दिस फॉर क्यूटनेस। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पोंकी। See, so this is the counter. You take all of your things and you make it here, which is like super cool. So our billing is all done and now we're gonna make all of this stuff yahi pe. ठीक है, सबसे पहले हम हमारा ये कोरियन चीज हॉट डॉग ट्राई करके देखते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, चीज़ी है बट क्रिस्पी नहीं है। प्रॉब्ली बिकॉज माइक्रोवेव में करा था, थोड़ा ब्लैंड है, मतलब हाँ हाँ, थोड़ा सा स्पाइसेस, वो सॉसेस, वो सब मिसिंग है। कितनी सही लग रही है ये सॉस, टेंस, मतलब ऐसे काली काली सी लग रही है। एंड गाइज, अगर आपको भी ऐसा 7-11 वाला एक्सपीरियंस करना ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो बिकॉज द वाइब इज वेरी सिमिलर। ओके, इट्स टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट। लुक्स गुड यार, लुक्स इनसेनली गुड एंड इट स्मेल्स सो गुड। That is so freaking good. मतलब I feel like last time पानी में ये रामेन बना के मैंने उसकी बेइज्जती कर दी थी, एंड जितनी मुझे बुरी लगी थी last time उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस बार। भाई साहब, here's Korean coffee. Okay, it's black coffee. Guys, it's not like coffee. It's just a coffee concoction type. I think बना के भी नहीं होती। Maybe. नहीं, इट्स वेरी नाइस। इसमें चीनी है, सब अच्छे से, इट्स लाइक ब्लैक कॉफी बेसिकली, एंड मीठी है, अच्छी है। नेक्स्ट थिंग टू ट्राई इज दिस वियर्ड एस ड्रिंक, जिसका फ्लेवर नहीं समझ में आ रहा है क्या है। पेयर की स्मेल आई मुझे इमीडिएटली, बने तो नींबू है। आई नो दिस फ्लेवर, पीच या पेयर कुछ ऐसा ना, नॉट एबल टू पॉइंट आउट एग्जैक्टली क्या है, but अच्छा है ना, इट्स वेरी टेस्टी। वो फिजी सा, ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा सा, कुछ ऐसा नहीं है। एक मिनट, क्या हुआ? इसके अंदर कोई फ्रूट है, देयर इज अ ग्रेप इनसाइड। कमिंग टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्नैक, लुक्स वेरी क्यूट, लेट्स ओपन एंड सी इसके अंदर क्या है। ओके, यू नो व्हाट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, वो जो राइस पफ से वो मीठी मीठी बॉल्स बनती है ना, वैसा दिख रहा है एकदम। टेस्ट भी एकदम ऐसा है। Hi guys, so अभी हम डिनर के लिए आ चुके हैं टू वन होराइजन सेंटर विच इज इन गुड़गांव। सर्कल सेंटर और उसके आसपास देयर आर रेस्टोरेंट्स लाइंड अप एंड बाहर भी सीटिंग है, अंदर भी सीटिंग है। हमारा चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट इज हांस किचन, टेस्ट ऑफ कोरिया लिखा है उसके नीचे। लेकिन ना डोंट बी फूल्ड, ओके, यहाँ पे ये बहुत सारे रेस्टोरेंट है बट ये एक्चुअल रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही इन्होंने डाला हुआ है, एक्चुअल रेस्टोरेंट अंदर है। They should have actually swapped with the Apple store. Given the Apple store, the building, and they should have taken this and Makes bar sense. Outdoor seating लगाते, that would have been pretty. हाँ, but ऐसे business talks नहीं होते ना उनके कि हाँ तुम अंदर चले जाओ, हमको बाहर आना है।
गाइस बाहर की भी सीटिंग है, बट हमने ना उनसे पूछा क्या हम ये ऑथेंटिक सीटिंग ले सकते हैं, एंड ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ, तो दे वर लाइक ओके। एंड मतलब यहाँ पे बैठ के एकदम ऐसा परफेक्ट कोरियन वाइब आ रही है। आई एम सो ग्लैड आई डिडंट गेट टेम्प्टेड बाय द बाहर वाले रेस्टोरेंट्स, बिकॉज़ दिस इज मच बेटर। हमारी पहली डिश आ चुकी है, इट्स कॉल्ड बिबिम्बाप। एंड ये ना मैंने इनसे पूछा कि हमें क्या क्या ट्राई करना चाहिए। दे सजेस्टेड मी दिस हॉट पॉट जो अभी तक मतलब लॉन्च भी नहीं हुई है, दे आर अबाउट टू लॉन्च इट। इट्स शेजवान फ्लेवर्ड। इसके अंदर नीचे इफ यू सी देर आर नूडल्स, देर इज अ शेजवान सॉस। यहाँ पे थोड़े से पीस है, गाजर है, देर इज अ हाफ फ्राइड एग, देर इज सम चिकन, सम बॉक चॉय। दिस लुक सो इंटरेस्टिंग, मैं बता नहीं सकती। सो हमारा बाकी खाना भी आ चुका है। दिस इज कॉल्ड यम यम चिकन, दिस इज ऑन द स्वीटर साइड। एंड ऊपर अगर आप देखोगे ना तो थोड़े से ऐसा सीरियल वगैरह डला हुआ है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर्ड वाज ग्रिल्ड चिकन, सो दिस इज ग्रिल्ड चिकन। एंड इसको बनाने का तरीका होता है, दे हैव गिवन दिस लेटस रैप। सो ये सॉस गार्लिक वगैरह लगा के हमें इन पूरी चीज का एक रैप बना के खाना होता है। सबसे पहले हम हमारा बिबिम्बाप खा के देखते हैं कि कैसा है। ये इतना अच्छा है, मतलब ऐसा शेजवान का टेस्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट लेट्स ट्राई आवर यम यम चिकन। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड इट्स ग्लिसनिंग, इतना मतलब ऐसा शाइन कर रहा है। लेट अस सी हाउ दिस इज। ओह माय गॉड, मेरे को ना जनरली मीठे चिकन पसंद नहीं है, बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट। इट्स सो फ्लेवरफुल, हल्का स्वीट हल्का स्पाइसी वैसा है। एंड इट्स लाइक इतना सॉफ्ट है चिकन, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ऐसा मुंह में घुल रहा है ना। अच्छा कोरियन खाना मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। इट टेस्ट सो नाइस, मतलब चिकन में ना ऐसा एक बारबेक्यू सा फ्लेवर है। दिस एंटायर फूड इज सो डिलीशियस, मतलब अगर आप कभी भी दिल्ली आ रहे हो या गुड़गांव आ रहे हो, ये जगह तो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। एंड इफ यू गेट अ चांस गेट द इंडोर सीटिंग, का वाइब अलग है। मतलब बाहर बैठ के वो मजा नहीं आएगा, वैसा कोरियन फील नहीं आएगा जितनी यहाँ पे आके आ रही है। तो हम दिल्ली में कोरियन चैलेंज शूट कर रहे हो, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मजनू का टीला ना। आई फाउंड दिस प्लेस कॉल्ड गंगनम, काफी फेमस है। इस चैलेंज की वजह से इतना यूनिक कोरियन खाना खाने को मिला है ना, नॉट जस्ट दैट इंस्टेंट रामन जो हम हमेशा खाते रहते हैं। How do you turn it on? Press this now. Okay. Come on. Okay. थैंक यू। हाय गाइस, व्हाट्सअप। तो हम आ चुके हैं गंगनम रेस्टोरेंट, एंड यहाँ का एम्बियंस इतना ज़्यादा सुंदर है। मतलब इनकी ना पर्सनल सीटिंग भी है, यहाँ पे ऐसा बाहर की सीटिंग भी है। अब हमने आज डिसाइड किया कि थोड़ा बाहर ऐसा वाइब लेके बैठते हैं, और हमने दो चीज़ें ऑर्डर करी, ठीक है। सबसे पहले इज दिस वेज स्पाइसी रामेन, और सेकेंडली हमने ऑर्डर करा है चिकन बारबेक्यू, जिसके लिए हमें ये दिया गया है। लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअली ओपनिंग इट द राइट वे। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम हमारी ये रामेन ट्राई कर लेते हैं। वैसे देखने में दिस जस्ट लुक्स लाइक इंस्टेंट रामेन, जैसे हम शिन रामेन खाते हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। लेट अस ट्राई दिस एंड सी। शिन रामेन 60 रुपये की होती है, ये 300 रुपये की है। देखते हैं 300 वर्सेस 60 में क्या फ़र्क है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इन्होंने शिन रामेन जैसी बनाई है, बिकॉज इन्होंने शिन रामेन ही बना के दे दिया है मुझे। लिटरली दिस इज शिन रामेन विद अ लिटिल बिट ऑफ सब्जियां, एंड प्राइस एट 5x द कॉस्ट। बिल्कुल ये 12 वाली मैगी है, रामेन भी नहीं कहूंगा मैं, मैगी है ये बिल्कुल। ये सेम मैं ऐसे बना सकता हूँ, बस ओरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स डालनी है, बटर डालना है, मैगी तैयारी, सूपी वाली, सूपी मैगी कह सकते हैं इसको आप। और क्या क्या हो गए, ये गाजर डाली हुई है देखो, 300 रुपये सिर्फ इस दो डंडी हो गए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए, मेरे को भी पता है ये शिन रामेन में मजाक कर रहा था, ये मैं रोज खाता हूँ अपने होम में कुक बना के देता है, मेरे को यही खाता हूँ सिर्फ। चिकन में क्या कॉन्सेप्ट है ना, दे गिव यू दिस मैरिनेटेड चिकन, यू कैन पिक व्हाटएवर यू वांट, दे हैव प्रॉन्स फिश और बहुत सारी चीजें। तो नाउ वी आर गोना पुट इट ऑन दिस ग्रिल, एंड होपफुली मैं इसको जला ना दूं। वो ग्रिल वाली आवाज बहुत अच्छी थी।
अभी ना हमें क्या करना है, इस चिकन का एक सॉर्ट ऑफ रैप बनाना है। ये हमारा सस्ता लेट्यूस है, तो अब हम इसे कैबेज से बनाएंगे। इनके पास लेट्यूस था ही नहीं आज, सो यू टेक दिस। फिर वी आर गोना ऐड देयर चटनी। आई एम अज्यूमिंग ये काफ़ी स्पाइसी है, हरी मिर्च देखे तो मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। फिर एक पीस चिकन ले लेते हैं, थोड़ा सा प्याज, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी इसको बनाने में। ठीक था, बट आई वुड नेवर हैव इट अगेन। मतलब जो चिकन है ना, एक तो सबसे पहले वो ओवर कुक हो चुका है बहुत ज़्यादा, ऊपर के मसाले भी ऐसा खड़े मसाले वाला टेस्ट आ रहा है, इट्स नॉट रियली लाइक प्रॉपरली कुक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो सॉस है इसमें से सिर्फ और सिर्फ विनेगर का टेस्ट आ रहा है, और ये 600 रुपये का था, सो ऐसे डूब। ओके, सो हमारे खाने का रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया, अब हमें साइड वाली टेबल का रिव्यू देता है। एक तो बकवास था, एकदम बकवास था, खाना इतना बेकार। 2100 का मंगवाए थे, 2100 का तोफू देके गया, और इतना तोफू बेकन तो था ही नहीं, इतना तोफू प्राइस के हिसाब से देखोगे तो मजा नहीं आया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद द रामन लवर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय।